नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गलती से लग जाने वाले एक PUK कोड के बारे में। कभी कभी क्या होता है, हमसे गलती से, हमसे या किसी हमारे घर में बच्चे हैं उनसे गलती से ये PUK कोड इनेबल हो जाता है। ये इनेबल कैसे होता है, सेटिंग में जाने के बाद सिम ब्लॉक का ऑप्शन होता है। अगर आपने गलती से वहाँ पर क्लिक कर दिया और 2-3 बार आपने गलत कुछ डाल दिया तो आपकी सिम यानी कि वहाँ पे PUK कोड लग जाता है। फिर उसके बाद अगर आप अपने फ़ोन में कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे PUK कोड मांगता है। तो दोस्तों, कैसे आपको वो PUK कोड को डालना है, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे, अगर आप अपने PUK कोड को 10 बार से ज़्यादा खोलने की कोशिश करेंगे और आप 10 बार से ज़्यादा गलत PUK कोड डाल देंगे तो आपकी सिम बिल्कुल से ब्लॉक हो जाएगी, बिल्कुल से बंद हो जाएगी, फिर वो कभी भी इनेबल नहीं होगी। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको 10 बार से ज़्यादा गलत PUK कोड नहीं डालना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में बताऊँगा कैसे अपने PUK कोड को रीसेट करना है। तो दोस्तों, अगर आपसे भी गलती से PUK कोड लग गया है तो प्लीज़ आप 10 बार से ज़्यादा उसको गलत पासवर्ड ना डालें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश और रिक्वेस्ट कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ बिल्कुल सही दूँ। क्योंकि देखिए, गलत इन्फॉर्मेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वीडियो देखोगे फिर आपका कोई काम नहीं आएगी वो ट्रिक, और फिर नीचे जाकर कमेंट करोगे कि भाई ये ट्रिक फेक है। दोस्तों, मैं जो इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ वो 100% अगर आप फॉलो करते हो तो आपके 100% आपका PUK कोड अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, PUK कोड अनलॉक करने के लिए आपको करना होगा एक काम जो मैं बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है कैसे अपने PUK कोड को रीसेट करना है। दोस्तों, रीसेट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, 10 बार से ज़्यादा आपने अपने PUK कोड को गलत नहीं डालना है। अगर आपने 10 बार से ज़्यादा PUK कोड को डाल दिया तो मैं उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। और पहले हम बताते हैं, अगर आपने 10 बार से ज़्यादा नहीं डाला है, आपने 1-2 बार ही डाला है तो क्या करना है। दोस्तों, वहाँ पर क्या करना है, आपने उस फोन में क्या सिम डाल रखी है आपको ध्यान देना है। जैसे आपने एयरटेल की सिम डाल रखी है तो आपको क्या करना है, आपको एक अपने दोस्त को ढूंढना है जिसके पास एयरटेल की सिम हो। आपको क्या करना है, अपने दोस्त को ढूंढना है और उस दोस्त के एयरटेल की सिम से आपको कस्टमर केयर को कॉल लगाना है। कस्टमर केयर को कॉल लगाने के बाद आपको कस्टमर केयर से बोलना है, सर हमसे धोखे से PUK कोड लग गया है हमारे फ़ोन में, सर इसको हम कैसे अनलॉक करें। दोस्तों, वो बताएंगे आपको कि यहाँ से कैसे अनलॉक करना है, वो आपको एक कोड देंगे, आपको कोड डालना है। उस कोड को डालने के बाद ही आपका PUK कोड अनलॉक होगा, वरना वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है कि आप उसको अनलॉक कर लो। कोई भी ट्रिक बताए आप यूट्यूब पे कितने भी वीडियो देख लो, अनलॉक नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक से 100% आपका PUK कोड रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने 10 बार से ज़्यादा आपने डाल दिया और आपका सिम बिल्कुल से ब्लॉक हो गई है तो वहाँ पे भी एक रास्ता है, मैं आपको बताने वाला हूँ वो रास्ता क्या है। दोस्तों, आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, आपको एक आधार कार्ड लेना है और 20 रुपये लगेंगे। आपको जाना है अपने नज़दीकी रिटेलर से, वहाँ से संपर्क करना है कि सर मेरी सिम ये ब्लॉक हो गई है, मुझे इसी नंबर से दूसरी सिम चाहिए। वो आपकी दूसरी सिम आपको चालू कर देंगे उसी टाइम, बिल्कुल हैंड टू हैंड 20 रुपये में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।